हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार नवरंग पर। और आज मैं लेकर आया हूं 1 मार्च की करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो इसका आंसर है झारखंड में जो सीतागढ़ी हिल्स हैं वहाँ पर एक बौद्ध मठ की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को कितनी तारीख तक बढ़ाया है? तो इसका आंसर है 31 मार्च तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है, यानी कि फिर से चालू कर दिया है, मान्यता दे दी है? तो इसका आंसर है खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस भारतीय मुक्केबाज को बुल्गारिया के सोफिया में 72वें स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट के फ्लाईवेट 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा है? तो इसका आंसर है दीपक कुमार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 28 फरवरी। और नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है आर विनय कुमार ने। नेक्स्ट, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 1 मार्च। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर टॉप 10 अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। और आप मेरे इस चैनल दीपक कुमार नवरंग को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।